आर वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय नगर की गुरुवार को अटारी बाघा सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश कर गया है। अंग्रेजों से आजादी और बार पाकिस्तान के रूप में हुए बंटवारे के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब ननकाना साहिब से अमृतसर तक इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा पहुंची है। नगर कीर्तन सुबह ननकाना साहिब से रवाना हुआ और दोपहर में भारत पहुंचा। अटारी बॉर्डर में पहुंचने पर नगर कीर्तन का रेड कारपेट बिछाकर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना है। सुबह से अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन का इंतजार किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन के दर्शनों के लिए संगतों में काफी उत्साह जो है वो दिख रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश, गुरु नानक देव जी का जिहड़ा कि 550 साल शताब्दी समारोह नूं समर्पित अज पाकिस्तान की धरती तो नगर कीर्तन जिहड़ा कि साढ़े जम्मू कश्मीर की धरती ते पंजाब तो हुंदा होया पहुँच रहा है। सो असी सारी जम्मू कश्मीर की आई संगत नूं लख लख बधाई देंदे हाँ कि यह पहला समा है कि पहला जितने भी नगर कीर्तन जिहड़े निकले हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही गए हैं, लेकिन यह पहली बारी ऐसा समय है कि जिहड़ा कि पाकिस्तान की धरती तो हो के पंजाब तो आंदा होया जम्मू कश्मीर की धरती दे विच इस एक बड़ी वड्डी एक साडे वास्ते खुशी की गल है कि अज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस दे विच इतना तनाजा चलते हुए भी अज गुरु नानक देव जी दे जिहड़े कि अज गुरु नानक देव जी जिहड़े कि सानू खुद इत्थे जिहड़े कि उन्हां दी ननकाना साहब पाकिस्तान दे विच जिहड़ा जिथे उन्हां दा जन्म होया अज उत्थों ये नगर कीर्तन जिहड़ा इत्थे पहुँच रहा है। सो अज इस समागम दे विच जिथे कि जम्मू तो पुंछ तो रजौरी तो उधमपुर तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट तो जिहड़ी कि सारियां संगतां इत्थे वध चढ़ के पहुँचियां हन, मैं सारियां नूं इन्हां नूं जी आया कहिंदा हाँ। सो गुरु नानक देव जी का जिहड़ा फलसफा है, ना को वैरी ना ही बगाना, एक पिता एकस के हम बारक। गुरु नानक देव जी ने छात छूत छात ऊंच नीच जात पात तो ऊपर उठ के इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने यात्रावां कीतियां, कितें चाइना, भूटान, बंगलादेश, लेह लद्दाख और
तकरीबन बाहरले मुल्कां चों यात्रावां करदे होए साडे इत्थे लेह लद्दाख दे विच वी पहुंचे और लोकां नूं ज्ञान दे अनेरे दे अज्ञान दे नेरे चों कढ़िया और ज्ञान दे नेरे दे विच लिआंदा और यह मैसेज दिता कि इंसान जिहड़ा है वह परमात्मा नहीं हो सकता। इंसान एक योद्धा हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन परमात्मा एक ऐसी जोत है जिहड़ी वह ना पैदा होंदी है ना मरदी है, लेकिन वह एक सुप्रीम पावर जिसनों असी वाहगुरु कहते हैं। मुसलमान अल्लाह कहता है, हिंदू जिहड़ा है वह उसनों ओम कहता है जिहड़ा कि उसनों, और यह एक उन्होंने मैसेज दिता कि परमात्मा जिहड़ा है वह एक है और उसके मनण दे जिहड़े तौर तरीके हैं वह अलग अलग हैं। सो गुरु नानक देव जी ने जिथे कि सिख धर्म के फाउंडर होए उत्थे वह गुरु नानक देव जी जिथे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करके एक मनुखता की भलाई वास्ते समाजिक सोशल उन्होंने सानू इस दुनिया के विचों अडंबर के हनेरे विचों कढ़ के उन्होंने ज्ञान के नेरे विच लिआंदा। सो आओ असी कोशिश करिए कि असी जिहड़ा गुरु नानक देव जी का जिहड़ा फलसफा है, जिहड़ा उनका मैसेज है, अपने मन के अंदर वसा के ना कोई वैरी ना कोई बगाने वाला असी जात पात छूत छात उपर उठ के इंसानियत की और मानवता की सेवा करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अते सिख कौम लई अज एक बड़ा महान अते खुशी का दिन है, क्योंकि अज यानी कि 4 अगस्त नूं श्री ननकाना साहब पाकिस्तान की पाक धरती तो एक नगर कीर्तन जिहड़ा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल जन्म शताब्दी नूं समर्पित नगर कीर्तन हिंदुस्तान की धरती ते आया है। तो बाया बाघा बार्डर होंदे होए गुरदासपुर धारीवाल दीनानगर बाड़ साहब तो बाद जिहड़ा वो नगर कीर्तन है हुण जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लखनपुर पहुँचन वाला है। बेशक जिहड़ा समा सी सवेरे नगर कीर्तन दे पुजन दा सुबह 9-10 बजे दा सी, लेकिन संगतां दे उत्साह दे कारण क्योंकि पंजाब दे विच जदों नगर कीर्तन इंटर होया ते लखां दी गिनती दे विच संगतां दा हड़ जिहड़ा है वह नगर कीर्तन दे सत्कार वास्ते नगर कीर्तन नूं लंगर छकाण वास्ते गुरु नानक पातशाह दी निशानियां नूं नमस्तक होण दे करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अगे नमस्तक होण करके वह जिहड़ा नगर कीर्तन है वह जिहड़ा थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन जिथों तक संगतां दे उत्साह की गल करिए सिख संगतां दे नाल नाल गैर सिख संस्था भी चाहे वह हिंदू वीर हैं मुसलमान हैं सारे इत्थे सुबह दे डटे हुए हैं अते गुरु नानक पातशाह दे प्रति दिल दे विच इन्ना सत्कार प्यार ते श्रद्धा है कि बिना थके बिना अके स्टेज दे उपर जिहड़ा है उन्होंने कीर्तन सरवण किया है, कथा सुनी है। हुण श्री रहरा साहब जी का पाठ हो रहा है अते संगतां दे खाण पीन लई इत्थे जिहड़े महाराज दे बख्शे 36 प्रकार दे भोग भोजन वह भी तैयार सन। हर तरह की जिहड़ी फैसिलिटी है गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते गुरद्वारा बोर्ड जम्मू वालों अते पूरे इलाके की जम्मू कश्मीर की संगत के सहयोग के नाल इत्थे पासीबल हो सकिया है। हुण गल करना हाँ मैं 2 मिनटां दे विच गुरु नानक पातशाह दे मिशन की। श्री गुरु नानक पातशाह का यह जिहड़ा असी 550वां नगर कीर्तन जिहड़ा इत्थे आ रहा है यह नगर कीर्तन मैं आज समझदा हाँ कि 70 साल के बाद पाकिस्तान की धरती तो उत्थे चल के आ रहा है। यह लखां करोड़ां गुरसिखां दीआं अरदासां का नतीजा है। असी रोज़ सुबह शाम अरदास करते सां कि पाकिस्तान के अंदर जिहड़े साढ़े गुरधाम रह गए हैं उन्होंने खुले दर्शन दिदारे सानू अकाल पुरख वाहिगुरु जी बख्शो। वो महाराज ने कृपा की है करतारपुर लांघा भी बन रहा है गुरु नानक पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के रूप के आप जम्मू कश्मीर की धरती से आके तो सानू दर्शन दे रहे हैं नाल ही सभे सांझीवालता का संदेश दे रहे हैं। मैं गल करना चाहता हूँ उस समय की 1999 के जदों पहली बारी
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दे विच जदों पहले बारी भारत पाक का लांघा खुलता है ते जदों एक वफद है जेड़ा के उदे विच कुछ पत्रकार लोग कुछ राइटर लोग उन्हां लोकां नूं पाकिस्तान भेजा गया जदों एक सिख राइटर जदों उन्हें जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की धरती ते पहला कदम नो मैन लैंड ते रखिया उदा पैर जेड़ा है धूर दे विच खुब गया गुरु प्यार दे विच भिज्जे गुरसिख दे अखां चों अथरू निकले अथरू धूड़ ते पै के उह धूड़ गुरसिख दे मत्थे ते लगी गुरसिख नूं इयां महसूस होया कि जिवें मैं गुरु नानक पातशाह दे चरणां दे भी नमस्तक हो गया ते उह कहिंदा आप मुहारे कुछ ओ लाइनां मेरे अंदरों निकलियां ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਏ ਇਹ ਬਾਗੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਏ ਕਿ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸੇ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਨ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੌਕਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੈ ਐਂਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਠੂਆ ਸੇ ਅਮਿਤ ਬਾਨ ਅਲਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। Alert India News.